आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। रुक करते हैं कमोडिटी बाजार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर पर। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया भर में चिंता का माहौल है, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों को इस युद्ध का लाभ मिलता दिख रहा है। दरअसल रूस यूक्रेन में युद्ध के चलते वहां से गेहूं का निर्यात नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते भारत के गेहूं की मांग बढ़ी है। इसका फायदा देश के किसानों को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के किसान भी खुश हैं, क्योंकि खुले बाजार में गेहूं 500 रुपए तक ऊंचा बिक रहा है। खांडवा में हर दिन लगभग 20,000 क्विंटल गेहूं मंडियों में पहुंच रहा है। वहीं माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में गेहूं के दाम लगभग 3,000 रुपए क्विंटल तक जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में गेहूं का सरकारी पंजीयन शुरू हो चुका है। इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 2050 तक है, लेकिन खुले बाजार में ये 200 से 2500 रुपए क्विंटल तक बिक रहा है। हालांकि अभी सरकारी गेहूं की खरीद शुरू नहीं हुई है, लेकिन किसानों का इस बार खुले बाजार में ही अच्छी कीमत में मिल रही है, जिससे किसान भी खुश हैं। इस बार मंडी में गेहूं की आवक फरवरी से ही शुरू हो गई है और मार्च तक गेहूं की आवक ने रिकॉर्ड भी बना लिया है। समर्थन मूल्य अधिक मिलने से मंडी में वाहनों की कतार लग रही है। बता दें कि यूक्रेन रूस युद्ध के चलते अभी तक भारत से निर्यात होने वाले गेहूं का आंकड़ा मौजूदा वित्तीय वर्ष में फरवरी अंत तक ही करीब 7 मिलियन टन हो चुका है। वहीं रूस और यूक्रेन में बड़े पैमान पर अनाज का उत्पादन किया जाता है। ये दोनों देश पूरी दुनिया के कुल गेहूं निर्यात का एक तिहाई हिस्सा निर्यात करते हैं। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा अनाज उत्पादक देश है। यही वजह है कि यूक्रेन रूस के युद्ध के चलते भारत का अनाज निर्यात बढ़ा है। आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में 111.32 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होगा, जो कि पिछले साल के 109 मिलियन टन से ज़्यादा है। तो ये बार मध्य प्रदेश के गेहूं किसानों को इतना बड़ा जो फायदा मिला है। तो और ऐसे ही बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।